Okay, Jai Hind, dear students, how are you? I hope you all are well at your place with your family. Subject is physical education and class 11th and unit is 7. The name of the unit is test and measurement in sports. This is second class for this unit. So, आज हम बात करेंगे अपनी क्लास में BMI की सबसे पहले. अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो देन वी विल आल्सो टेक द वेस्ट हिप रेशियो दैट इज आल्सो नोन एज द WHR. सो सबसे पहले हम देखते हैं BMI को. सो द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ द BMI इज बॉडी मास इंडेक्स, इन शॉर्ट इट्स नोन एज BMI, बॉडी मास इंडेक्स. कई बार जब भी हम मेडिकल के लिए जाते हैं तो जो मेडिकल अफसर्स हैं हमारा BMI चेक करते हैं और बहुत इजी वे है. इवन वी कैन चेक अवर BMI आवर सेल्फ, सो वी कैन इवेल्युएट अवर सेल्फ कि हमारी BMI जो है हेल्थी है या ओवरवेट है या ओबीज है या अंडरवेट है, वट एवर. सो बहुत इम्पोर्टेंट है इसका लाइफ में. एक तो अगर हमारी BMI हेल्थी है तो हम अट्रैक्टिव दिखेंगे, और अगर हम हेल्थी रेंज में आते हैं तो एक लाइक भरोसा है कि कई सारी बीमारियों से हम दूर रहेंगे एंड हमारा अपीयरेंस ठीक रहेगा. अगर हमारी BMI एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाएगी तो डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ तो हम अगर किसी मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो वील बी अनफिट देयर फॉर सम स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट. मोर ओवर जो हमारा अपीयरेंस है वो ख़राब हो जाएगा, साथ ही साथ लाइक कई सारी डिजीज लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियो रिलेटेड डिजीजेस भी होने की संभावना है. सो BMI का बहुत बड़ा रोल है अपनी बॉडी के लिए. सो उसी को जानते हैं BMI होती क्या है. सो जैसा कि बॉडी मास इंडेक्स बहुत इजी वे है BMI को कैलकुलेट करने का. सो BMI इज कैलकुलेटेड बाई टेकिंग पर्सन्स वेट. सबसे पहले इंडिविजुअल का वेट लिया जाता है किलोग्राम एंड ग्राम में. नॉर्मली हम अपना वेट बॉडी का वेट kg और ग्राम में लेते हैं. तो जो भी इंडिविजुअल है उसका सबसे पहले जो फर्स्ट जो मेजरमेंट है, देखिए अब हमने लास्ट क्लास में बात की थी टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन की. तो यहाँ पे टेस्ट क्या हो रहा है, BMI टेस्ट हो रहा है. क्या टेस्ट हो रहा है, BMI. सो अभी हमें टेस्ट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है. हमें जैसे आदमी का वेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, आदमी की हाइट नापने के लिए हमें स्टेडियोमीटर की ज़रूरत है. तो दैट कम्स इन द टेस्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेजरमेंट. सो अब हम सबसे पहले वेट देख रहे हैं कि वेट्स देख रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर जस्ट टेकिंग द मेजरमेंट. न्यूमरिकल वैल्यूज हम देख रहे हैं वहाँ पर. सो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर BMI को हमें जानना है तो सबसे पहले बॉडी वेट देखेंगे किलोग्राम एंड ग्राम में. उसके बाद में जो भी बॉडी वेट आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाई हाइट. हाइट हम लेंगे मीटर एंड सेंटीमीटर एंड हाइट स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. सो द वेट ऑफ द बॉडी विल बी डिवाइडेड बाई द हाइट इन टू हाइट, दैट मीन्स हाइट स्क्वायर. सो वेट को लिया जाएगा किलोग्राम एंड ग्राम में एंड हाइट को लिया जाएगा मीटर एंड सेंटीमीटर में. सो यहाँ पे क्या हो गया, सो फॉर्मूला हो गया वेट डिवाइड बाई हाइट इन टू हाइट. ठीक है. सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर किसी की हाइट रहता है 1.70 meter, यानी कि 1 meter 70 centimeter है, तो उसको भी राइट करने से 1.70 meter. एंड लेट अस से द वेट ऑफ द बॉडी लाइक 70 kg. सो वी विल राइट 70.0 kg. सो दीज आर द मेजरमेंट्स, दीज आर द डेटा व्हाट वी हैव गेट, जो हमें मिले हैं बाय मेजरिंग द वट एवर द एज पर द टेस्ट जो हमने मेजर किया है कि उसका वेट हमने लिया और उसकी हाइट ली है. तो ये हमें डाटा मिले हैं. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 70 divided by height into height square. सो सॉल्व करने पे जो हमारे पास डाटा आएगा वो आएगा, सो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24.2. ओके. सो दिस इज द बेसिकली जो हमें मेजरमेंट करने के बाद जो डेटा मिला है वो 24.2. नाउ वी विल एवेल्युएट ऑन द बेस ऑफ दिस डाटा. हियर वी हैव द टेबल. टेबल में आप देखें यहाँ पे कैटेगरी है हेल्थी रेंज, ओवरवेट रेंज एंड ओबीज रेंज. यहाँ पे मैन एंड यहाँ पे वुमेन. सो अगर कोई मैन के केस में जो हेल्थी रेंज है दैट इज बिटवीन 20 to 25.
ये जो हमें फाइनल स्कोर मिला है दिस इज 24.2. सो दिस इज कम्स बिटवीन हेयर, यहाँ पे फॉल हो रही है ये रेंज. सो दिस इज हेल्थी रेंज. सो मैन के केस में ये जो हमें डेटा मिला है या जो वैल्यू मिली है, अगर वो वैल्यू यहाँ फिट होती है सो दैट मीन्स ये हेल्थी रेंज है. और इसको हम और देखते हैं, अगर कोई ओवरवेट रेंज में आएगा, अगर उसका जो बीएमआई 26 और 30 के बीच में रहेगा तो उसको हम कहेंगे ओवरवेट रेंज. और किसी का 30 से ज़्यादा जितना भी जाए तो वो आएगा ओबीज रेंज में. मैन के केस में तो वो ओबीज, जैसे ओबिसिटी की बात हम करते हैं, मोटापा वाली रेंज में आ जाएगा. वुमेन के केस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हेल्थी रेंज है 19 to 24 है, एक कम है. ओवरवेट रेंज जो है वुमेन के केस में 25 to 29 है और ओबीज रेंज है मोर देन 30. सो दोनों केस में, वुमेन एंड मैन के केस में, अगर जो फाइनल स्कोर है वो 30 से ज़्यादा आ रहा है तो दैट मीन्स ओबीज रेंज, मोटापा या ओबिसिटी वाली जो रेंज है. और जो अगर वैल्यू आ रही है मैन के केस में 26 से 30 या 25 से 29 वुमेन के केस में, तो वो भी ओवरवेट रेंज है. इससे नीचे वाली जो रेंज है हेल्थी रेंज है, जैसे हमारा जो फाइनल स्कोर मिला है 24.2, सो दैट इज हेल्थी रेंज. सो दिस इज बेसिकली द एवेल्यूएशन. सो एवेल्यूएशन यहाँ पे क्या हुआ, एवेल्यूएशन हमें क्या मिला यहाँ पे फाइनली, हेल्थी रेंज मिला है. हेल्थी रेंज में जो व्यक्ति है या जो इंडिविजुअल है उसको हमने एवेल्युएट किया फाइनली उसकी बीएमआई को, तो द बीएमआई सेज कि इट्स हेल्थी रेंज, ये हेल्थी रेंज में है. सो ये बीएमआई को वी कैन कैलकुलेट इजीली. सो ओनली थिंग वी नीड टू डाटा, एक तो बॉडी की हमें हाइट की जरूरत होती है, दैट इज इन मीटर एंड सेंटीमीटर. सो हाइट को हम हाइट इनटू हाइट को बेसिकली हाइट स्क्वायर कर लेते हैं एंड बॉडी वेट इन किलोग्राम एंड ग्राम में. सो बॉडी वेट को अगर हम हाइट इनटू हाइट स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो जो भी रेंज आती है, जो भी वैल्यू आती है, उस वैल्यू को एज पर दिस टेबल वी कैन सी कि वेदर दिस इज हेल्थी रेंज, ओवरवेट रेंज और ओबीज रेंज. सो दिस इज हाउ वी कैन चेक द बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई जिसको कहते हैं. सो वी कैन चेक आवर सेल्फ इजीली या किसी दूसरे की भी हम आसानी से चेक कर सकते हैं. सो अब हम, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट मैं वंस अगेन आई एम जस्ट समराइजिंग द थिंग्स. द बॉडी मास इंडेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी कई इंपॉर्टेंस हैं. सबसे पहले तो हमें अपनी फिटनेस का मालूम चलता है कि वेदर वी आर फिट अनफिट एंड वट एवर इन विच कैटेगरी वी फॉल. सेकेंड थिंग, इफ आवर बीएमआई इज टू हाई, दैट मीन्स इफ यू आर इन द ओबीज कैटेगरी, दैट मीन्स और अपीयरेंस इज डजेंट लुक नाइस, हमारी जो सेप है बॉडी की खराब हो जाएगी. तीसरी चीज़, कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हम में आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, लाइक मैंने पहले ही बताया कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड ऑल दैट. सो इट्स अवर ड्यूटी टू मेंटेन अवर बीएमआई, ठीक है. एंड मोर ओवर, लाइक इफ आवर बीएमआई इज वेरी हाई देन फॉर एनी स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट वी आर अनफिट. सो आई होप आपको समझ आएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेस्ट हिप रेशियो. So now let's talk about the WHR, that is waist hip ratio. So waist hip ratio को निकालने के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो टेक द स्मॉलर सर्कमफेरेंस ऑफ द वेस्ट अबाउ द बेली. बेली के ऊपर स्मॉलर सर्कमफेरेंस लेना है वेस्ट का, मतलब कि वेस्ट का सबसे कम जो सर्कमफेरेंस है, परिधि है, उसको हमें मेजर करना है. दैट इज नॉर्मली अबाउट द बेली. सो मिनिमम जो रीडिंग, जो मिनिमम सर्कमफेरेंस है अबाउट द बेली, वो हमें लेनी है. दैट इज वन थिंग अबाउट द बेली. एंड देन डिवाइड बाय द हिप सर्कमफेरेंस एट द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हिप. उसके बाद हमें जो दूसरा मेजरमेंट लेना है, वो हिप का जो वाइडेस्ट पार्ट है उसको हमें मेजर करना है. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं. तो
लेसर पार्ट है अपनी वेस्ट का अबव द बेली, उसकी सर्कमफेरेंस लेनी है। हिप के केस में जो वाइडर पार्ट है हिप का, वहाँ का जो सर्कमफेरेंस है उसको लेना है, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, जो अपना वेस्ट का सर्कमफेरेंस है उसको हिप के सर्कमफेरेंस से डिवाइड करना है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो वेस्ट का सर्कमफेरेंस है अबव द बेली, जो वो मिनिमम लेना है जहाँ पे सबसे कम है, उसको हमें डिवाइड करना है हिप के सर्कमफेरेंस से। सो जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू आ गई हमारा मेजरमेंट, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, वट एवर द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम टेबल में डाल के एवेल्युएट करेंगे इंडिविजुअल को कि इंडिविजुअल किस कैटेगरी में आता है, दैट इज कॉल्ड एवेल्युएशन। सो इफ एनी इंडिविजुअल लाइक देर आर टू रेंज, एक होती है एक्सेप्टेबल एंड एक होती है अनएक्सेप्टेबल। सो इन द केस ऑफ फीमेल, अगर किसी कोई फीमेल जैसे 0.75 से कम है, जो वैल्यू आई है वो 0.75 से लेस, 0.75 और इससे कम, दैट मीन्स सी विल कम इन द एक्सेलेंट कैटेगरी। अगर थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई एंड दैट इज कमिंग बिटवीन 0.75 to 0.80, सो दैट फीमेल विल बी इन द गुड कैटेगरी WHR के केस में। बाकी जो इधर वाले डाटा है अनएक्सेप्टेबल है, दैट मीन्स अगर वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ गई, फाइनल स्कोर बढ़ जाता है और लेट अस से कि 0.80 से 0.85 के बीच में आ रहा है तो एवरेज कहेंगे हम, और अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो 0.85 और 0.90 के बीच में हाई होगा, और 0.90 से अगर ग्रेट है तो मतलब ग्रेटर है, ज़्यादा है तो एक्सट्रीम कैटेगरी में चला जाएगा, मतलब WHR बहुत ख़राब है। मेल के केस में अगर है 0.85 से कम है तो एक्सीलेंट की कैटेगरी में होगा मेल, 0.85 और 90 के बीच में है तो गुड की कैटेगरी में होगा। दीज टू रेंजेज आर एक्सेप्टेबल। अब अनएक्सेप्टेबल वाली जो रेंजेज है 0.90 एंड 0.95 के बीच में है, दैट इज द एवरेज, एंड 0.95 से लेके 1.00 दैट इज हाई, एंड 1.00 से किसी का और ज़्यादा है तो दैट कम्स इन द एक्सट्रीम। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल वी कैन एवेल्युएट द इंडिविजुअल। नॉर्मली ऐसा एक रफली हम कह सकते हैं कि फीमेल के केस में अगर किसी की वैल्यू 0.7 के नियर बाई आ रही है तो वो एक एक्सीलेंट है, गुड है, या सकते हैं। और मैन के केस में, मेल के केस में अगर जो फाइनल स्कोर आ रहा है WHR का वो 0.85 के नियर बाई आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक्सीलेंट है, गुड है, या हेल्थी रेंज है। सो ये हमने जाना कि हाउ टू चेक द WHR वेस्ट टू हिप रेशियो। वंस अगेन आई एम समराइजिंग कि जो वेस्ट टू हिप रेशियो, इसमें सबसे पहले वेस्ट का सर्कमफेरेंस लिया जाता है। जनरली हमारी जो बैली से ऊपर का जो वेस्ट है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम रीडिंग आती है, सो इसको लिया जाता है। उसके इसको लेने के बाद हमें हिप का जो वाइडर पार्ट है उसको, उसका हमें सर्कमफेरेंस लिया जाता है। उसके बाद वेस्ट के सर्कमफेरेंस को हिप के को डिवाइड किया जाता है हिप के सर्कमफेरेंस से। सो वेस्ट सर्कमफेरेंस इज डिवाइडेड बाय द हिप सर्कमफेरेंस, इज वेरी इजी, ठीक है। देन वट एवर द वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग एज ए एवेल्युएशन, एवेल्युएशन के तौर पर हम एज पर दिस टेबल वी कैन डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल कम्स इन विच कैटेगरी। बहुत सिंपल है। सो WHR को भी कई बार जब हम मेडिकल के लिए जाते हैं तो जनरली BMI को ही देखा जाता है, बट कई बार किसी को थोड़ा सा कुछ लगता है, डाउटफुल है, तो वो WHR को भी टेस्ट करते हैं। WHR के भी केस में ये है कि अगर हमारा WHR बहुत ख़राब है, लाइक वी कैन से इफ यू आर इन दिस कैटेगरी मेल अगर 1.00 से ज़्यादा आ रहा है, फीमेल 0.90 से ज़्यादा आ रहा है, तो जो आदमी का सेब है वो बहुत ख़राब दिखेगा, वेस्ट बहुत बड़ी दिखेगी एंड बहुत ही बेकार व्हाट वी कैन से सर्कमफेरेंस, जो हिप का सर्कमफेरेंस है वो भी काफ़ी दिखेगा, तो एक आदमी थुल जैसा दिखेगा। सो ये WHR का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है अपीयरेंस के लिए और हमारी फिटनेस के लिए। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड टू थिंग्स, फर्स्ट इज BMI एंड सेकेंड WHR।
आई थिंक बोथ द थिंग्स आर क्लियर टू यू. इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज वट एवर यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स. सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.